नमस्कार सभी किसान भाइयों को, स्वागत है आपका आपके जवाहर सुविधा किसान चैनल पर। तो आज हम आए हैं आज मछली मंडी में। बहुत काफ़ी बड़ी लंबी चौड़ी मंडी है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। काफ़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में पशु आए हैं जिससे ज़्यादा जनसंख्या लोगों की देखने को मिल रही है। सभी किसान भाइयों को बहुत सारे भाई की कमेंट आ रही थी मुझे कि वीडियो आप बहुत शॉर्ट डाल लेते हो, आप थोड़ा बड़ा वीडियो डालो। तो मैं आज सभी भाई लोगों के लिए थोड़ा बड़ा वीडियो लेकर आया हूँ। तो बहुत सारे भाई लोगों की कमेंट आ रही थी कि भाई आपके मोबाइल नंबर दो, आपका डेयरी फार्म कहाँ है। तो मैं आज आपको सभी जानकारी देने वाला हूँ मेरे भाई लोगों को, और सभी मेरे भाई से निवेदन करता हूँ कि सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लाइफ में खुश रहें। और आज शाहजहाँपुर ज़िले की मंडी में हैं। शाहजहाँपुर ज़िले में मक्सी गाँव पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा पशु आए हुए हैं यहाँ पर, आपको एक से एक बढ़कर भैंस देखने को मिल रही है। मेरे सामने थोड़ी एक छोटी नज़र आ रही है, बहुत शानदार छोटी देखने को मिल रही है आपको। तो यार आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप करते नहीं हो, हर बार बोलता हूँ करते नहीं हो। तो आपकी डिमांड के लिए मैं थोड़ा बड़ा वीडियो लेकर आया हूँ, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। मैं आपको टॉप से टॉप क्वालिटी दिखाऊंगा, शानदार क्वालिटी दिखाने के लिए मैं आज आया हूँ मंडी में। ये बहुत शानदार भैंस से देखने को मिल रही है, सेकेंड टाइमर में जनने वाली है छोटी। बहुत शानदार क्वालिटी है अभी तक इसकी। ये देखिए ये बहुत बड़ी मंडी देखने को मिलेगी आपको, बहुत बड़ी मक्सी में अभी तक आपने नहीं देखी होगी। ये देखिए कितनी जनता हो रही है, भीड़ देखो आप। ये देखिए आप ये भैंस को जानकारी लेते हुए देखते हुए कि कैसी क्वालिटी है भैंस में। ये थोड़ी मतभेद हो रही है अपने ग्राहक से। कितना टाइमर में बही रही है, मतलब फर्स्ट में सेकंड में कितनी बार में बही रही है अभी? तीन बार में। किसी बार में कितना दूध दे रही है अभी तक? क्या सात लीटर साथ देगा? कितना दिन में बही लगा? आठ एक दिन लगाएगा। कहीं रेट है को? इसका मांगी तो हम 1 लाख रिया है। हाँ। बहुत ज़्यादा रेट नहीं है? जो भी कुछ है अब देख लो। देख रहे हो किसान भाई उसका बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं, 1 लाख बता रहे हैं, पर मेरे हिसाब से तो 1 लाख की तो नहीं है, 70,000 से ज़्यादा की नहीं है। आप देख सकते हो 7 लीटर बता रहे हैं, पर 7 तो नहीं देगी, 5+ ज़रूर देगी। इतनी अच्छी छोटी नहीं है ये देखिए थोड़ा घुसुर कर रहे हैं। मेरे पास बैग भी है, तो आप मेरे हिसाब से बातचीत करते हैं कि ये भाई लेने के लिए आए हैं, पर हम इसको खरीदने नहीं, हम इनको जानकारी लेने के लिए आए थे बस। और आप देख सकते हो मैं बैग लाया हूँ थोड़ा भरकर, वैसे ही कपड़े वगैरह का। देख रहे हो मेरे हिसाब से नॉर्मल डेयरी फार्म वाले के लिए, जैसे घर में अपन रखते हैं उसके लिए ठीक रहेगी भैंस, पर ज़्यादा बड़े डेयरी फार्म अगर करोगे तो भैंस इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं देखने को मिल रही है। मंडी बहुत बड़ी है पर उस हिसाब से क्वालिटी नहीं आ रही है भैंस की, मामला इतना अच्छा नहीं है। पर हाँ ठीक है, नॉर्मल पशुपालक अपने घर के लिए थोड़ा बहुत डेयरी पे देने के लिए काम चल जाएगा। और अच्छी जानकारी दूंगा वीडियो में, और आप देखते रहिए और चैनल को शेयर